Hi friends, welcome to my channel silverXLight, and in this video I'm going to show you how to shop online like Flipkart or any other online websites. So let's see. Friends, आजकल online shopping एक trend बन गया है और दुकान जाने से बेहतर घर बैठ के आराम से online shopping करने का मजा ही कुछ और है। तो अगर आप भी इस मजे को लेना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं Flipkart से कैसे online shopping करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है फ्लिपकार्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये पर सर्च ऑप्शन है और इसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम और मोर का अलग अलग कैटेगरी वाइज टैब भी दिया है। तो आप यहाँ पर जो भी चाहे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो अगर मैं एक टी शर्ट खरीदूँगी तो ये पर सर्च ऑप्शन का क्लिक करेंगे, मैं ये एक टी शर्ट टाइप करूँगा, टी शर्ट और ये पर आ गया है सजेशन में टी शर्ट इन मेंस टी शर्ट। तो सिलेक्ट करके हम ये पर देख सकते हैं बहुत से टी शर्ट आए हैं। और तो ये पर एक शॉर्ट ऑप्शन है, इसमें पॉपुलैरिटी है, तो पॉपुलैरिटी को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम सबसे पॉपुलर टी शर्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो अगर लो टू हाई को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे लो रेंज का टी शर्ट सबसे पहले आएंगे, और हाई टू लो को सेट करेंगे तो सबसे हाई वाला रेंज का टी शर्ट सबसे पहले आएंगे। और यह पर एक है न्यूएस्ट फास्ट, तो न्यूएस्ट फास्ट को सिलेक्ट करेंगे अगर हम सबसे न्यू ट्रेंड का टी शर्ट पहले देखना चाहते हैं। तो इसके बाद हम अगर हम एक सबसे लो टी शर्ट खरीदेंगे तो लो टू हाई सिलेक्ट किए तो आप देख सकते हैं जैसे कि लो टू हाई सिलेक्ट किए वैसे ही एक सबसे लो रेंज का टी शर्ट आ गया है और इसके नीचे प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर से मैं इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पर देख सकते हैं बाय नाउ ऑप्शन, इसके नीचे साइज है, साइज को सिलेक्ट किए, इसके नीचे आप देख सकते हैं और यहाँ पर वह डिलीवरी रुपीस दिया है, डिलीवरी जो चार्ज है, और इसके नीचे आप इसका कमेंट देख सकते हैं और इसके नीचे आप सिमिलर प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो सिंपली साइज सिलेक्ट करके बाय नाउ करूँगा अगर आप ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो। और इसके बाद आया है एड्रेस टैब, इसका जो आप जिस एड्रेस पे ये प्रोडक्ट डिलीवरी लेना चाहते हैं उसका एड्रेस इसमें फिलअप करना पड़ेंगे। तो सपोज़ ये मैंने फिलअप किया शर्ट और बाशत लोकलिटी सपोज स्टेशन रोड को सिलेक्ट किए और इसके बाद यहाँ पर फ्लैट नंबर आपको जो फ्लैट है फ्लैट नंबर दे सकते हैं, बिल्डिंग नेम दे सकते हैं, अगर फ्लैट बिल्डिंग नेम नहीं है तो सिंपली लोकलिटी का नेम ही दे दीजिए। स्टेशन रोड दिया है मैंने और यहाँ पर पिन कोड देना पड़ेंगे, तो सपोज ये दिया है, यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है और चेंज भी कर सकते हैं, तो सिंपली ये तो वेस्ट बंगाल सिलेक्ट हुआ है। और यहाँ पर आपका लैंडमार्क देना होंगे और इसके बाद नेम है, नेम होगा उनका जिसका एड्रेस में आप प्रोडक्ट डिलीवरी लेना चाहते हैं उनका नेम, सपोज ये जो रॉय देंगे। और इसके बाद फ़ोन नंबर उनका ही फ़ोन नंबर देना पड़ेंगे और आपका जो अल्टरनेटिव फ़ोन अगर है तो उस अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर को देना पड़ेंगे। और इसके बाद देख सकते हैं एक होम वाला टैब है, इसको सिलेक्ट करेंगे अगर होम में डिलीवरी लेना चाहते हैं, और एक वर्क जो अगर आप ऑफिस में डिलीवरी लेना चाहते हैं तो वर्क, तो मैं होम को सिलेक्ट करके सेव करूँगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चेंज और ऐड एड्रेस का टैब है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम अगर आपका एड्रेस गलत है तो चेंज और रिकरेक्शन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये बार टोटल अमाउंट दिया हुआ है और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद दिया है पेमेंट ऑप्शन, जो कि फ्लिपकार्ट में बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन है, स्टेट बैंक, फ़ोनपे, यूपीआई वॉलेट, जो कि फ्लिपकार्ट का अपना ही यूपीआई वॉलेट एप्लीकेशन है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, ईएमआई ऑप्शन भी है। तो इस प्रोडक्ट में ईएमआई ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो और इसके नीचे टोटल प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर एक गिफ्ट कार्ड भी कार्ड का भी ऑप्शन है, तो अगर आपका आपके पास फ्लिपकार्ट का कोई गिफ्ट कार्ड है तो वाउचर नंबर पिन देकर अप्लाई कर सकते हैं।
और कैंसिल कर दीजिए। तो मैं सपोज़ कैश ऑन डिलीवरी में लेना चाहते हो, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लेस ऑर्डर दबाएंगे। तो यहाँ पे आ गया है कैप्चा कोड, जो इस एंटर द कैरेक्टर बॉक्स में इंटर करना पड़ेंगे। तो ये है 718, और इसके बाद मैं सिंपली कॉन्फर्म ऑर्डर वाला टैब को दबाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। Thank you for watching my videos and don't forget to subscribe my channel.